हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीटेक इंडिया आईपीओ कलॉटम का जो स्टेटस है कैसे देखने को मिलेगा और कहाँ देखने को मिलेगा, इसका रजिस्ट्रार क्या रहने वाला है और इसे आप किन किन साइटों से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, कितने लोगों का अभी कमेंट में आ रहा था कि इस अलॉटमेंट का जो डेट है क्या बदल गया है और कहां देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर वीडियो में बन रहे हैं और दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दोस्तों, बात करें जीटेक इंडिया आईपीओ का अलॉटमेंट का स्टेटस के रिगार्डिंग। दोस्तों, इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस, जानने से पहले कुछ आपका इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा इसका जो आईपीओ मार्केट में आपको 29 मई से शुरू होकर आपको 31 मई के बीच आता हुआ दिखा होगा। और दोस्तों, इसका जो अलॉटमेंट का जो डेट रखा गया, दोस्तों आपको देख सकते हैं कि आपको 3 जून के दिन होता हुआ दिखेगा, जो कि आपको मंडे का दिन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे पहले भी आपको डेबिट और आपको क्रेडिट का मैसेज आता हुआ दिख सकता है। अब दोस्तों, बात यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया और यदि आपको इस अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है ओवर सम्स के कारण, तो दोस्तों आपको जो पैसे हैं आपको 4 जून तक आपको रिफंड आता हुआ दिख जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको इस अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो जो आपको जो शेयर आपको डीमैट अकाउंट में 4 जून के दिन ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसका जो लिस्टिंग का जो डेट रखा गया, दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 4 जून के दिन ही रखा गया है। तो दोस्तों, आपको जो 4 जून का जो आपको दिन है, देख सकते हैं कि आपको जो कि आपका मंगलवार है, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, इन डेटों को आप काफ़ी अपने ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, बात करके इस आईपीओ का लिस्टिंग के रिगार्डिंग, दोस्तों इसका जो आपका लिस्टिंग आपको NSE SME पे होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, ये तो आपका सारा डाटा होगा। दोस्तों, बात करके इस आईपीओ का रजिस्ट्रार क्या है, तो दोस्तों आपको देखने मिला कि इस आईपीओ का जो आपको रजिस्ट्रार है, दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको मसीथला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो आपका रजिस्ट्रार हो गया। अब दोस्तों, बात करें यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हो, तो आप कितने बंदों में से कितने बंदों को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा और आपको जो मिलने के चांसेस कितने परसेंट देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके आपको सबसे डाटा पिक बनाकर डालते हैं, देखते हैं आपको कितने बंदों को इसमें अलॉटमेंट होता हुआ दिख सकता है। दोस्तों, बात है इसमें आपको सबसे डाटा के रिगार्ड में, दोस्तों आपको देखने में कि आईपीओ आपका ओवरऑल देखते हैं आपको 371 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, आपको देखने में कि YB ने इस आईपीओ को 123 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनके तरफ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 872 करोड़ का टोटल इसमें एप्लीकेशन लगता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, आपको देखने मिले कि HNI ने इस आईपीओ को 832 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनके तरफ देख सकते हैं दोस्तों आपको 4427 करोड़ का टोटल लगता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, आपको देखने मिले कि रिटेल ने इस आईपीओ को 315 गुना सब्सक्राइब किया है और रिटेल की तरफ से देख सकते हैं कि आपको 3915 करोड़ का टोटल लगता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों, आपको देखने मिले कि इस आईपीओ में आपको देख सकते हैं कि आपको ओवरऑल आपको 9216 करोड़ का टोटल लगता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये तो आपका सारा डाटा हो गया। अब दोस्तों, बात करिए यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हो तो कितने बंदों में से कितने बंदों को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, आप ऐसा अराउंड मान चलिए कि दोस्तों आपको 310 बंदों में से किसी एक बंदों को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों, आपको 315 बंदे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको ये फिगर आपको 310 315 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कितने बंदे यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो कितनों का आपको ऐसे देखने को मिले, कितने का जो आपका एप्लीकेशन है वो आपको मतलब कटक प्राइस नीचे भी लगा देते हैं कि कितने बंदों को जो आपका एप्लीकेशन है आपको देखने को मिला कि उनका जो एप्लीकेशन आपको रिजेक्टेड भी होता हुआ दिखता है, इसलिए जो आपका आंकड़ा है इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, ये तो आपको मिलने के चांसेस हो गए। दोस्तों, बात करेंगे यदि आपने इस ऐप में अप्लाई किया हुआ है तो इसका GMP क्या चल रहा है और आपको कितने की प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसके GMP आपको लेके चलते हैं। तो दोस्तों, बात करके इसके GMP का, दोस्तों आपको देखने में GMP आपको 58 रुपये से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, बात करके इसका जो अपर प्राइस, तो इसका जो अपर प्राइस मैंने आपको 110 रुपये का है, दोनों को ऐड करने के बाद 168 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात कीजिए तो अराउंड आपको 52 से 53% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, जब इसके GMP की हिस्ट्री में डाल तो आपको देखने के लिए GMP पहले 30 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, फिर दोस्तों आपको देखने में 30 रुपये का इसने 60 रुपये गया, फिर 60 से देखते हैं आपको 65, फिर 65 से फिर देखते हैं 80 और वहाँ जाने को इसमें फिर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और करंटली आप देखते हैं कि आपका 58 पर ट्रेड करते हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये तो इसका GMP और आपको GMP के अनुसार मिलने वाला प्रॉफिट। अब दोस्तों, बात करें यदि आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया हुआ है तो इसका जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है कैसे चेक करना है, तो दोस्तों जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया, इसका जो आपका रजिस्ट्रार है वो आपका देख सकते हैं आपका मसीथला सर्विस देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो रजिस्ट्रार की ऑफिशियल वेबसाइट, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके चलते हैं।
और दोस्तों यदि आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो कमिटमेंट जरूर होता है। दोस्तों प्रसन्नता होती है कि आपको उसमें अलॉटमेंट देखने को मिला है और आपको कुछ बेनिफिट या आपको कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। और दोस्तों उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको इस वीडियो से थोड़ा ग्लोबल पॉइंट देखने को मिलता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मसीदला की ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों आपको इसमें लेके आ गए। दोस्तों आपको यहाँ आने के बाद इसमें अलग अलग इसमें ऑप्शन शो करेगा जिसका उपयोग करके आप इसमें अलॉटमेंट का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। पहला जब ऑप्शन देखने को मिला आप देख सकते हैं आपको पैन कार्ड नंबर हो गया, दूसरा आप देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर हो गया, और तीसरा आप इसमें देख सकते हैं कि आपको डीमैट अकाउंट नंबर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इन अलग अलग तरीके से आपने जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जो आपको पर्सनल चेक करता हूँ आपको बोलता हूँ आपका पैन कार्ड नंबर चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्या करना है, इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको इसमें देखने को मिले कंपनी नाम सिलेक्ट करने में इसमें कंपनी नाम इसमें अभी शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों जैसे इसमें कंपनी नाम शो करने लगेगा आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए दोस्तों मैंने आपको कोई भी एक नाम को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आप इसमें क्या करना है आपको इसमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप इजी जो अलॉटमेंट का जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिला है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो थोड़ा बहुत ग्लोबल पॉइंट देखने को मिला हो तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।